राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय सत्रह राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय सत्रह होशे का राज्य और इसराइली राज्य का टूट जाना। यहूदा के राजा आहाज के बारहवें वर्ष में एला का पुत्र होशे शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और नौ वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इसराइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, परंतु अश्शूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी करने वाला जान लिया, क्योंकि उसने सो नाम मिस्र के राजा के पास दूत भेजे और अश्शूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंद किया और बेड़ी डालकर बंदीगृह में डाल दिया। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर तीन वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के नवे वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इसराइलियों को अश्शूर में ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इस कारण यह कारण है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते रहे, और इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के घुम्मट से लेकर गढ़वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशेरा खड़े कर दिए और ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप चलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम यह काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं की नाई जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था वे भी हठीले बन गए और वे उसकी विधिया और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और दो बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की और अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था जिससे वह क्रोधित भी होता है उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इसराइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से उसने दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई न बचा रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियां इसराइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इसराइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। उसने इसराइल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया और उन्होंने
नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया और यारोबाम ने इसराइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यारोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इसराइल भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इसराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इसराइल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। इसराइल के देश में अन्य जाति वालों का बसाया जाना और अश्शूर के राजा ने बाबेल, कूता, अबवाहमात और सपवयम नगरों से लोगों को लाकर इसराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। सो वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहां पहले पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दिए हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उनके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तब भी एक एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोमरोनियों ने बसाए थे। बाबेल के मनुष्यों ने तो सुक्कोत बनोत को, कूत के मनुष्यों ने निर्गल को, हमात के मनुष्यों ने अशिमा को और अबियो ने निभज और तरताक को स्थापित किया और सपोनी लोग अपने बेटों को अद्रमेलेख और अन्नमेलेख नाम सपवयम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। यो वे यहोवा का भय मानते थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते, न तो अपनी विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम पराये देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय न मानना और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पहली रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं।